रविवार के दिन हिसार के नालौंद की अनाज मंडी में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य डॉक्टर अजय चौधरी बड़ा शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की इस रैली को कांग्रेस संदेश रैली का नाम दिया गया है। कांग्रेस संदेश रैली की तैयारियों को लेकर डॉक्टर अजय चौधरी से खास बातचीत हुई। टोटल न्यूज एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने की, दिखा रहे हैं आपको। 11 अगस्त की तारीख नालौंद विधानसभा क्षेत्र की अनाज मंडी को एक बड़े शक्ति प्रदर्शन के लिए तैयार किया जा रहा है। जी हां, कांग्रेस पार्टी का ये बड़ा शक्ति प्रदर्शन और एक रैली के जरिए यहां कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता कार्यकर्ता इस विधानसभा क्षेत्र में अपने अस्तित्व को साबित करने की कोशिश करेंगे। तस्वीरों के जरिए आपको दिखाने की कोशिश करूंगा किस तरीके से अनाज मंडी में यहाँ तैयारियाँ मुकम्मल करने की कोशिश की जा रही है। हर तरफ व्यवस्थाएं यहाँ पर खड़ी करने की कोशिश, शेड के अंदर बड़ी तादाद में लोगों के स्वागत के लिए यहाँ मंच तैयार किए जा रहे हैं। मीडिया के लिए एक अलग तरीके का मंच यहाँ पर तैयार किया गया है जिससे मीडिया के लोगों को कवरेज को लेकर किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। इसके अलावा सिटिंग अरेंजमेंट्स भी यहाँ पर किए जा रहे हैं, बड़ी तादाद में कुर्सियाँ लगाई जा रही हैं और इस शेड के दोनों ही तरफ अतिरिक्त टेंट लगाकर यहाँ पर और ज़्यादा सिटिंग कैपेसिटी को बढ़ाने की कोशिशें की जा रही हैं। दोनों ही तरफ से सिटिंग कैपेसिटी को बढ़ाया जाएगा। इस रैली का मकसद क्या है और किस तरह का ये शक्ति प्रदर्शन रहेगा, इसी को लेकर रैली के आयोजक इस वक्त हमारे साथ बने हुए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य है डॉक्टर अजय चौधरी। डॉक्टर अजय, कितना बड़ा ये शक्ति प्रदर्शन मान लिया जाए और इस शक्ति प्रदर्शन के मायने क्या है? मैं ये समझता हूँ कि नारनौंद के इतिहास में इतना बड़ा सैलाब लोगों का कभी इकट्ठा नहीं हुआ होगा। सन 2005 में भी हमने इसी अनाज मंडी में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा जी का एक जलसा किया था। मैं नहीं समझता कि उस जलसे को आज तक किसी ने क्रॉस किया है। जहाँ तक बात संख्या बल की है, और उस संख्या बल को क्रॉस करते हुए हम एक शानदार सफल आयोजन कल भी कर पाएंगे। रविवार का दिन रैली के लिए तय किया गया है, रैली का नाम क्या दिया गया है और कौन कौन से नेता इस रैली के मंच पर मौजूद रहेंगे? आप जानते हैं कि हरियाणा भर में हरियाणा के कांग्रेस के नेताओं ने अपने अपने तरीके से कांग्रेस को मजबूत करने का बीड़ा उठा रखा है। तो कांग्रेस की कुमारी शैलजा जी ने कांग्रेस संदेश यात्रा के माध्यम से हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी, हमारे अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी का संदेश जन जन तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया है। उसी कड़ी में ये कांग्रेस की संदेश रैली कहलाएगी और इस जगह से परिवर्तन की जो लहर है वो तूफान में तब्दील होती हुई कल आपको दिखाई देगी। नारनौंद के अनाज मंडी का ये पूरा इलाका और एक बार मेन स्टेज आपको दिखाने की कोशिश मैं करूंगा। यहाँ पर मेन स्टेज को तैयार किया जा रहा है, इसका बैकड्रॉप भी कुछ ही घंटों के बाद लगा दिया जाएगा। तो एक बड़े शक्ति प्रदर्शन के लिए कांग्रेस पार्टी कांग्रेस संदेश यात्रा के नाम से इस रैली का आयोजन किया जा रहा है और डॉक्टर अजय चौधरी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। सर, मुझे बताइए कि कामयाब शक्ति प्रदर्शन तो आप कर लेंगे, ये संभव है, लेकिन इस शक्ति प्रदर्शन के बाद चुनावी माहौल में किस तरह की तब्दीली देखी जा सकती है? नारनौंद विधानसभा क्षेत्र में किस तरह का जो चुनावी माहौल है इस रैली के बाद बदलता नजर आएगा? चुनावी माहौल तो पहले से ही बहुत बढ़िया हो चुका है। लोकसभा के चुनाव के जो परिणाम है वो सब लोगों के बीच में है और हम यहाँ से हमारा प्रत्याशी लोकसभा की जीत जो उन्होंने हासिल की है सबसे ज़्यादा नारनौंद से ही हासिल की है और जनसंपर्क के माध्यम से हमने पिछले 2-2.5 महीने में और ज़्यादा कांग्रेस को मजबूती दी है। ये मजबूती और माहौल बनाने के लिए इस तरह के शक्ति प्रदर्शन ज़रूरी हैं। आगे हम नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से, चौपाल सभाओं के माध्यम से और आगे और ज़्यादा जनसंपर्क, जो घर घर का हम डोर टू डोर कैंपेन करेंगे, उससे कांग्रेस पार्टी को और मजबूती मिलेगी। माहौल पूरी तरह से गरमाया हुआ है और अनुभव भी सुखद है और मैं समझता हूँ परिणाम शानदार रहेगा। नारनौंद विधानसभा क्षेत्र में संभावित उम्मीदवारों की संख्या का मैं जिक्र करूँ तो 20 के करीब ये संभावित उम्मीदवारों की संख्या बनती हुई नजर आ रही है। क्या आपस में कहीं द्वंद की स्थिति पैदा नहीं होगी और इतनी बड़ी संख्या क्या चुनावी मैदान में परेशानी का सबब नहीं बनेगी? एकजुटता के लिए क्या कुछ कोशिशें की जा रही है? नहीं, कांग्रेस पूरी तरह से एकजुट है। इतने ज़्यादा अगर उम्मीदवार हैं तो ये इस बात का सूचक है कि कांग्रेस पार्टी बड़ी मजबूत है और हर आदमी की ये इच्छा और लालसा है कि कांग्रेस का टिकट मुझे मिले। मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा सुखद अनुभव किसी पार्टी को नहीं हो सकता। जब इस प्रकार की लहर होती है तो इतने उम्मीदवार हमेशा तैयार मिलते हैं और मुझे नहीं लगता कि कोई द्वंद्व आपस में किसी का है। हर व्यक्ति कांग्रेस को मजबूती दे रहा है और हर व्यक्ति कोशिश कर रहा है कि कांग्रेस पार्टी हरियाणा में एक बढ़िया सरकार बना करके लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरे। मैं नहीं समझता कि इसका कोई नुकसान
पार्टी को होगा, इससे तो पार्टी को कोई ना कोई फायदा जरूर होगा। चलिए मेरा आखिरी सवाल, ये जो शक्ति प्रदर्शन है ये साबित कर रहा है कि बदलाव नारनौंद विधानसभा क्षेत्र में होगा और साथ ही प्रदेश की जनता भी बदलाव चाहती? बिल्कुल 100%। और मैं तो ये मानता हूँ कि जिस प्रकार से हम लोकसभा के बाद में जिस प्रकार से कांग्रेस के नेताओं ने कार्यकर्ताओं ने और ज़्यादा मेहनत करी है और ज़्यादा कोशिश जनसंपर्क के माध्यम से की है, तो हम 3/4 बहुमत के साथ जो है ना हरियाणा में सरकार कांग्रेस की बनाएंगे, और ये लोगों ने भावनात्मक रूप से पूरी तरह से तय कर लिया, निश्चित कर लिया। चलिए टोटल न्यूज़ से बातचीत के लिए शुक्रिया डॉक्टर अजय चौधरी। साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि कामयाब ये शक्ति प्रदर्शन बना रहेगा। नारनौंद के अनाज मंडी में एक बड़ी रैली को लेकर तैयारियां यहाँ पर मुकम्मल करने की कोशिश की जा रही है, और कुमारी शैलजा कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय महासचिव हैं कांग्रेस पार्टी की, वो इस रैली के मंच पर नजर आएंगी, संबोधित इस जनसभा को करेंगे, और इसके बाद चुनावी माहौल में बड़ी तब्दीली का दावा यहां पर कांग्रेसियों की तरफ से किया जा रहा है। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज़, नारनौंद।